इस वक्त हम मौजूद हैं थाना बिलासपुर में और यमुनानगर जिले का थाना बिलासपुर में, और यहाँ पर गांव कपूरी कला के कुछ सिख समुदाय के लोग इकट्ठे हुए हैं। आखिर जानते हैं कि क्या मामला है, सुबह सुबह इनको यहाँ पर थाने में पहुँचना पड़ा, आखिर क्या मामला है ये जानते हैं इनसे। यहाँ जो जी बीच में क्या मामला हो गया, क्या चक्कर हो गया, किस लिए आज थाने में आपको आना पड़ा सुबह सुबह? ऐसे है कि हमारा गांव कपूरी कला यादगार बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा किला साहब के नाम से है, जिसमें 8 तारीख कोई बात को रात को 9 के लगभग चोरी हुई थी, 8 और 9 के डेट में। और उससे पहले 8 तारीख को लगभग 7 बजे हमारे यहाँ पे एक अजनबी बंदे आए, 2 एक गुरुद्वारा साहब के अंदर मत्था टेक रहा, 2 दूसरा बाहर खड़ा था। जैसे हम गुरुद्वारे में एंट्री करते हैं वह पब्लिक आम थी वहाँ पे, वो मत्था टेक के चला गया और थोड़ा चेहरा छुपा के गया वहाँ पे। अच्छा जी। तो जैसे सवेरे हम देखते हैं 9 की सवेरे 4 बजे तो हमारा एक ग्रिल फाड़ के गोलक वहाँ से गायब थी। जैसे हमने थोड़ा इधर उधर घूमे गाँव के इकट्ठे हुए तो हमारे को फोन आता है कि आपका जो गोलक साहब है वो जीतपुर कला में पड़ा हुआ है। अच्छा। तो वहाँ से हम आते हैं थाना में फ़ोन करते हैं, यहाँ के कर्मचारी भी जाते हैं अपनी जैसे भी तस्दीक करते हैं, करने के बाद जैसे कि हम वहाँ देखते हैं कि एक वहाँ हमारे को सुआ मिला है जो गोलक का ताला तोड़ने के लिए उसमें घुमाया गया है, लेकिन उसे नहीं टूटा। तो वे गाँव जीज पर के अंदर गए गोलक लेके, उन्होंने वहाँ से कोई ऐसा पेचकस वगैरह लिया और टिक्का दे के वहाँ दे गोलक टूटा है। हमारे को वहाँ से शक हुआ कि हमारा जो चोर है वो गाँव अजीज पर कला के अंदर ही है। और उसके बाद के 11 तारीख को पूरी कला के अंदर जैसे कि उनका होलिया था कि 2 बंदे उसी तरह के पूरी कला के अंदर आते हैं, और एक हमारे गांव में एक बंदा है जो मतलब बाहर पेस्टर में काम करते हैं, उसके जो घर वाले लेडीज़ वगैरह वो अपना बाहर मिंत मजदूरी के लिए गए हुए थे, जैसे कि जीरे वगैरह लगाते हैं, पहले बात है कबूतर के बहाने के हमारे कबूतर देखना है, जबकि घर में कोई मौजूद नहीं, उनके घर के अंदर जाते हैं और वहाँ के देख लेते हैं कि इनके घर में कोई नहीं है। उसके पता चंद मिनट या घंटे बाद या 2 घंटे बाद दोपहर को वहाँ से चोरी हो जाती है। नहीं तो आपको पूरा पता है कि उन्होंने चोरी करी है? ऐसे हम उसको पहचानते हैं जी। अच्छा, कोई सीसीटीवी वगैरह लगा रखा है गुरुद्वारा साहिब में? वगैरह नहीं है जी वहाँ पे। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ पे कभी ऐसा कोई कर्म हुआ नहीं जिसकी हमारे को जरूरत पड़ती है। तो गोलक में कितना कैश था जो अब चोरी हो चुका? लगभग ऐसा था कि वो पक्का तो नहीं कह सकते, जैसे हमारी गोलक बुक किया है 6 महीने में लगभग 4,000 के करीब हमारे पास निकलता है, तो इसको भी 6 महीने से ज़्यादा हमारे पास हो गया था, तो हमारा आइडिया ही 50,000 के आसपास ही हमारी गोलक हो सकती है। तो पहले भी गोलक कभी तोड़ी गई है इस तरीके की? पहली बार घटना है? कभी पहली घटना है, गांव में आम चोरियां तो होती थी जैसे खेड़ा साहब से मंदिर साहब से, पर हमारे गुरुद्वारे के अंदर से आज तक कोई सुई वगैरह भी चोरी नहीं हुई है। तो क्या कारण है, जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना चल रहा है, लोगों में बेरोजगारी फैल रही है, इस तरफ युवा जो है चोरी की तरफ जा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, ऐसा चोरियाँ क्यों हो रही है गाँव में? इसका चोरी का मेन कारण है नशा, जैसे कि लोग नशा वगैरह करते हैं, जो बच्चे जीतपुर में अभी कर रहे हैं थोड़ा बहुत हो सकता है हमारे गांव में हो, इसको पूरी कला खुर्द के अंदर भी हो, जैसे एरिया में नशा बढ़ रहा है, नशा बढ़ने का बेरोजगारी बढ़ी हुई है, तो इस मध्य नज़र रखते हुए कि हमारे यहाँ पे चोरियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, और जो चोरी को अंजाम दिया गया हमारा शक है कि नशीली बंदों का काम है, वही वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ शिकायत दे दी है थाने SHO साहब? हमने दे दी है, बिल्कुल लिखित में दिया हुआ है। क्या आश्वासन दिया SHO साहब ने? उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे, और हम भी इससे परेशान है कि एरिया में चोरियां बढ़ रही हैं, हमारे को भी दिक्कत आ रही है, और हम हर तरह से आपकी हेल्प करेंगे और हम चोर को पकड़ेंगे। और गांव वाले जो हैं उसी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गुरुद्वारे में CCTV वगैरह होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हाँ हाँ, ये CCTV कैमरे वगैरह हमने तैयारी कर रखी है, वो लगा देंगे 2-4 दिन के अंदर, और हमने तैयारी की हुई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कपूरी कला का मामला था जहाँ पर बता रहे थे कि किस तरीके से गोलक जो है वो तोड़ी गई है चोरों के द्वारा, और इनके इनको शक है कुछ लोगों पर, कंप्लेंट दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस जो है उन चोरों को गिरफ्तार करती है। यमुनानगर ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बिलासपुर से सरनजीत सिंह।